नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बिशा। और सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहाँ छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। फिलहाल आए रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है, जिसने अब तक आए रुझानों में 5 से 4 पर बढ़त बना रखी है। सिर्फ 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है और प्रदेश में पार्षद के लिए 2,840 पद पर मतदान हुआ है। 10,161 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मंगलवार शाम तक यानी आज तक हो जाएगा, आज देर शाम तक हो जाएगा। और प्रदेश के 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका और 103 नगर पंचायत में 78.73% मतदान हुआ है। इन सभी निकायों के परिणाम आज शाम तक आ जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसा कि मतगणना जारी है और क्योंकि हम देख रहे हैं आप मौके पर पहुंचे हुए हैं, मतगणना का वक्त चल रहा है और बहुत सी ऐसी वार्ड हैं जहां पर नतीजे भी आ चुके हैं, तो क्या अब तक स्थिति नजर आई है हेमंत? देखिए, प्रदेश भर के अगर नगरीय निकायों की बात की जाए तो नगर पंचायत जहां जहां पर है वहां के रिजल्ट पहले आ रहे हैं। और जैसे बात की जाए तो रामानुजगंज वहां से कई प्रत्याशी जीतकर निकल सामने आ चुके हैं। अगर रायपुर की बात की जाए तो रायपुर के एक एक वार्ड में 11,000 से 12,000 मतदाताओं की संख्या है, इसलिए काफी टाइम यहां पर जो रुझान है वो आने में लग रहे हैं। जो जो टेबल यहां पर मतगणना के लिए लगाए गए हैं और पहले डाक मतपत्र की गिनती हुई, डाक मतपत्र की बात की जाए तो 39 वार्डों में भाजपा आगे थी। और अभी शुरुआती रुझान बैलेट पेपर की बात की जाए तो वार्ड नंबर 5, 10, 12 और 14 में भाजपा आगे चल रही है। अगर वार्ड 11 जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, संजय श्रीवास्तव जो पूर्व सभापति भी थे वो पीछे चल रहे हैं, वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अमितेश भारद्वाज वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा वार्ड 29 से कांग्रेस आगे है। अगर पूरे इसकी बात की जाए रायपुर के तो 4 में भाजपा और 2 में कांग्रेस आगे चल रही है और शुरुआती रुझान है। हालांकि कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार नगर निगम रायपुर में महापौर किसका होगा, लेकिन कसमकस यहाँ ज्यादा दिख रही है। कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, चाहे वो प्रमोद दुबे की बात की जाए, चाहे संजय श्रीवास्तव जो भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल उनकी बात की जाए, लगातार दिग्गज मैदान में उतरे थे और प्रचार उन्होंने किया था, लेकिन आज उनकी अग्नि परीक्षा है कि वो अपने जो परीक्षा है उसमें कितने पास होते हैं। बाहर का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर अब भीड़ काफी बढ़ रही है, दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये मेन गेट है काउंटिंग सेंटर का, यहाँ से लोगों को जाने दिया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है, जो आम लोग हैं वो उनको काउंटिंग स्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा है, जो पास जारी जिनके लिए पहले से पास जारी किया गया था उनको ही अंदर यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करते हैं, आप बताइए। ये अधिकतर वार्डों में भाजपा आगे चल रही है रायपुर में जी? नहीं, अभी तो सभी जगह अंदर से भी मेरे भी खबर आया था कि करीबन 40 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है ऐसा करके, तो मेरे को लगता है इस बार कहीं ना कहीं रायपुर की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी के महापौर बनना है, ऐसा करके माहौल सामने नजर आ रहा है। लोग हैं, बात करते हैं, आप बताइए क्या लग रहा है रायपुर पे, किस प्रकार का रिजल्ट आएगा? कांग्रेस का आएगा, कांग्रेस मेहनत किया हुआ है और कांग्रेस का रिजल्ट आना चाहिए और आएगा ही आएगा ही। आपका क्या मानना है? हमारे 2 नंबर वार्ड में कांग्रेस आ रहा है और बाकी सब पूरे रायपुर में कांग्रेस सफल आ रहा है। तो ये कार्यकर्ताओं के दावे हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, लगातार वो दावे ये कर रहे हैं कि उनके पार्टी के उम्मीदवार जीत कराएंगे, लेकिन शुरुआती रुझान की बात की जाए तो रायपुर के 70 वार्ड हैं, 70 वार्डों में 4 में भाजपा आगे है और 2 में कांग्रेस आगे है, लेकिन वार्ड नंबर 11 जो मैं पहले ही बताया कि हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से संजय श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं और महापौर पद के प्रबल दावेदार वो माने जा रहे हैं, वो यहां पर पीछे चल रहे हैं। हालांकि लगातार अब रुझान यहां पर आएगा और जो दिग्गजों की सीट है उसका भी हाल हम लगातार बताते रहेंगे। जी हेमंत, जैसा कि शुरुआती वक्त से स्वराज एक्सप्रेस नजर बनाए हुआ है नगरीय निकाय चुनाव पर और हर पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश की ही जाती है, लेकिन काफी दिलचस्प बात है कि जोगी कांग्रेस ने अपनी ओर से अलग दावेदारी पेश की थी। जोगी कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, क्या अभी तक नतीजे और क्या रुझान उसके लिए नजर आए?
देखिए, अगर प्रदेश भर के परिणाम की बात की जाए तो जो जोगी कांग्रेस है वो काफी पिछड़ते दिखाई दे रही है। सिर्फ मैं महासमुंद की बात करूं, महासमुंद नगर पालिका में 7 वार्डों में जोगी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। इसके अलावा कहीं भी जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। रायपुर में उनकी एक सीट पर भी यहाँ पर आगे वो नहीं चल रही है। तो हाई प्रोफाइल सीट से वार्ड क्रमांक 57 भगवती चरण शुक्ल, वहाँ पर प्रमोद दुबे और जो भाजपा के सचिन मेघानी है उनको टक्कर जोगी कांग्रेस के राहुल रफी दे रहे थे, लेकिन वो लगातार पीछे वहां से चल रहे हैं। जोगी कांग्रेस से सिर्फ महासमुंद से अच्छी खबर जोगी कांग्रेस के लिए आ रही है। चलिए हेमंत, आपके पास वापस आएंगे। अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर डाक मत पत्र की गणना में कांग्रेस आगे है। 26 सीटों में कांग्रेस 13 और बीजेपी 8 सीटों पर निर्दलीय चल रहे हैं आगे। दुर्ग नगर निगम चुनाव के 7 वार्डों की मतगणना में अब बैलेट की गणना जारी है। तो दुर्ग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 8 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। सूरजपुर में कांग्रेस वार्डों पर 2 जीती है और शक्ति के 7 और 8 वार्ड से कांग्रेस आगे चल रही है। सर, दुर्ग से ये आपको ज्यादा जानकारी बता रहे हैं। जो नया अपडेट हमारे पास आया है दुर्ग का, शक्ति के 7 और 8 वार्ड के परिणाम आए हैं। 26 सीटों में कांग्रेस 13 और बीजेपी 8 पर आगे है। 8 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत के पास वापस आएंगे, तब तक एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें दुर्ग से ताजा जानकारी हमें मिली है। और वही अब बलरामपुर से भी ताजा जानकारी आपको बता रहे हैं। वार्ड 5 से निर्दलीय विजय रावत की जीत हो गई है। वार्ड 10 से बीजेपी के रमन अग्रवाल की जीत हुई है और वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो बलरामपुर में कुछ कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर परिणाम भी घोषित हो गए हैं। और दंतेवाड़ा से जो ताजा जानकारी मिल रही है वार्ड 8 को लेकर, 8 वोटों से चंदन ध्रुव की जीत हुई है। पहला परिणाम निर्दलीय प्रत्याशी खाते में आया। नगर पालिका में 4 वार्डों में बीजेपी आगे रही। दंतेवाड़ा में वार्ड 8 से निर्दलीय चंदन ध्रुव की जीत हुई है और महज 8 वोटों से ही उनकी जीत हुई है। तो बालोद के वार्ड 8 में निर्दलीय और 9 से कांग्रेस आगे है। वार्ड 10 में बीजेपी आगे है। बेमित्रा वार्ड 10 में बीजेपी आगे है। तो वार्ड 9 में कांग्रेस आगे है। तो ये ताजा रुझान है और कुछ कुछ वार्डों में तो जीत भी घोषित हो गई है। कहीं बीजेपी आगे है तो कहीं कांग्रेस आगे है, यानी कड़ा मुकाबला दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को दिया है। और दिलचस्प बात, जैसा कि लगातार हेमंत बता रहे थे हमें, कि जोगी कांग्रेस ने भली कितने दावे किए कि नगरीय निकाय चुनाव में कम से कम लोकसभा या फिर विधानसभा जैसे नतीजे नहीं देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं मौजूदगी दर्ज कराएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही देखने को मिला है। देखिए, जनता कांग्रेस चौकी की बात की जाए तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी है और ऐसे में स्थानीय चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट निकल कर सामने आ रहे हैं काफी पिछड़ते दिखाई चौकी कांग्रेस से रही है। लेकिन मतदान के दिन ही हमने बताया था कि निर्दलीय कई जगहों पर भारी पड़ेंगे। रामानुजगंज की बात की जाए तो 5 से 6 निर्दलीय वहां से जीत कर आए हैं। इसी तरीके से पिथौरा का नजारा अगर दिखाया जाए, पिथौरा में भी 5 से 6 निर्दलीय वहां पर आगे हैं। तो निर्दलियों को जो प्रभाव है वो पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है, खासकर तौर पर नगर पंचायतों में। अगर देखा जाए नगर पंचायतों में कि तो निर्दलीय कई जगहों पर उन्होंने चुनाव जीता और कई सीटों पर अभी भी वो आगे हैं। लेकिन अधिकतर नगर निगमों की बात की जाए, प्रदेश में कुल 10 नगर निगम हैं। 10 नगर निगम में चाहे जगदलपुर की बात की जाए, अंबिकापुर की बात की जाए, धमतरी की बात की जाए,
ये तमाम जगहों पर, चाहे दुर्ग की बात की जाए, तमाम जगहों पर कांग्रेस आगे चल रही है। कई लगभग 15 से 16 वार्डों में, वहां पर अंबिकापुर में कांग्रेस आगे है, बीजेपी काफी पिछड़ती वहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर वहां अंबिकापुर की बात की जाए तो जो वर्तमान महापौर है डॉक्टर अजय तिर्की, वो आगे चल रहे हैं। जो पूर्व महापौर है भाजपा के प्रमोद मिंज, वो काफी पीछे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान है, कुछ देर बाद ये सब क्लियर होगा। लेकिन सबसे बुरी खबर कांग्रेस के बिलासपुर से है। बिलासपुर के अधिकतर आधा दर्जन वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस बिलासपुर में काफी पिछड़ते दिखाई दे रही है। कुछ कार्यकर्ता हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या मानना है? शुरुआती रुझान निकल कर आ रहे हैं, अधिकतर नगर जो निगम है उसमें कांग्रेस आगे है, लेकिन नगर पंचायतों में पिछड़ते दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तो चुनाव हुए नहीं है पहली बात, और जब चुनाव होंगे तो नगर पंचायत में भी कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगी। और अभी नगरीय निकाय चुनाव की बात है तो पहले राउंड चल रहे हैं अभी, और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से युवाओं को टिकट दिया है, बहुत सारे वार्डों में, रायपुर नगर निगम में इतने सारे युवाओं को टिकट दिया, एनएसयूआई के नवयुवक छात्र युवाओं को, छात्र नेताओं को टिकट दिया, जिसमें कि वो छात्र नेता भी जीत करा रहे हैं। आपका क्या मानना है, किसकी जीत होगी रायपुर में कांग्रेस के? कितने सीट आएंगे? आप बोलो। हाँ, बोले फिर। कितनी सीट आएगी कांग्रेस? कौन जीतेगा? रहेगा बीजेपी जीतेगा, बहुमत आएगा बीजेपी का, 45 सीट लगभग आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, 45 सीट आएगा। बिल्कुल आएगा। तो मैं अभी सिर्फ दावे हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान निकल कर सामने आए हैं। और अगर रायपुर नगर निगम की बात की जाए तो भाजपा यहाँ पर आगे चल रही है चार वार्डों में, लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो महापौर पद के प्रबल दावेदार है संजय श्रीवास्तव, वो पीछे हैं अपनी सीट से। वार्ड क्रमांक 11 काली माता वार्ड है उनका। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, उसके बाद लगातार जो परिणाम है वो निकल कर रायपुर नगर निगम से भी आते रहेंगे बुसरा। लेकिन यहाँ पर लेट इसलिए हो रहा है, एक तो बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हुआ है, दूसरा रायपुर के हर वार्डों में जो जनसंख्या है, जो मतदाताओं की जनसंख्या है, वो 10,000 से पार है, इसलिए रायपुर नगर निगम के रिजल्ट आने में काफी देर हो रहा है। जी, और हेमंत साथी आपको जानना चाहेंगे के दावेदारी दोनों हर पार्टी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन जो दावे पेश किए थे कि लगभग इतना आंकड़ा, या जो भी पार्टी है जिसने भी जितना आंकड़ा पेश किया हो उससे कितना करीब होती स्थिति नजर आ रही है? देखिए, दोनों पार्टियों की ओर से दावे किए गए थे। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा था कि 42 से 45 के आसपास जो पार्षद है वो रायपुर नगर निगम में जीत कर आएंगे। उसी तरीके से बीजेपी ने भी दावा किया था, बीजेपी ने ये कहा था कि 40 से ज्यादा पार्षद उनके जीत के आएंगे। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि शुरुआती रुझान की बात की जाए तो रायपुर नगर निगम में चार वार्डों पर भाजपा आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा काफी आगे निकल गई हो, काफी करीबी मुकाबला होगा। और रायपुर के कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर निर्दलीय कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। आपका जो भाजपा चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों के लिए इतना आसान रहने नहीं वाला है कई वार्ड में। हालांकि कई तो दोनों तरफ से दिग्गज मैदान में है। भाजपा की ओर से बात की जाए तो मैंने पहले बताया राजीव अग्रवाल जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वो उन्होंने काफी मेहनत की थी और वहां पर लगातार वो जनसंपर्क भी करते नजर आए थे। उनका मुकाबला प्रमोद मिश्रा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनसे है, वो भी एक युवा उम्मीदवार है और लगातार वार्ड में वो दखल देते रहे हैं, लगातार समस्याओं से अवगत वो होते रहे हैं। उसी तरीके से वार्ड 11 की बात की जाए जिसमें संजय श्रीवास्तव पीछे चल रहे हैं, उस वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी अमितेश भारद्वाज तो पिछले 10 सालों से उस वार्ड में लगातार सक्रिय है। तो टिकट वितरण के आधार पर भी देखा जाए तो जो दिग्गज है दोनों तरफ से उनकी जो स्थिति है वो बने रही है। हमारे साथ आपके पास वापस आएंगे और भी अपडेट्स आपसे लेंगे।